नाजरीन स्वागत है आपका चिनाब टीवी में। मैं हूँ आपकी मेजबान रिंकू सुमड़िया। तो आई नजर डालते हैं आज की खास उर्दू खबरों पे। मौला डंडियान डोडा के मकैनियों की दरख्वास्त पर जिला तरकियाती कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने सदर एमसी डोडा वेद प्रकाश गुप्ता के साथ जायवाका का दौरा किया और भारत रोड से मौला डंडियान तक सड़क के रास्ते के इम्कान का जायजा लिया। डोडा की मेस कम्युनिटी ने एएमएएम को यूमे शादत का दिन मनाया। डीवाईएसएसपी सराज के हीरो अमन ठाकुर को जज्बाती खारजी अकीदत पेश किया जा सके, जिन्होंने कश्मीर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। प्रोग्राम का आगाज शहीद डीवाईएसपी अमन ठाकुर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर किया गया। तो पेश है डोडा से कुमार सुरेंद्र की ये रिपोर्ट। सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं, सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं, वतन को लुटा कर बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। एक बहुत बड़ी बात है होती है देश सेवा की। एक बहुत ये कहना चाहूंगा कि देश में जितनी भी बाधा क्यों ना आए, सबसे पहला हमारा कर्तव्य जो बनता है वो देश के हित में। नाम विनोद बंदरान। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो है हमने शहीद डीवाईएसपी अमन ठाकुर जी का 3rd बलिदान दिवस था। हम हर साल जो है इन्हें बहुत अच्छे से श्रद्धांजलि देते हैं और इस बार भी बहुत अच्छा प्लान था, है भी अभी और आज भी बहुत अच्छा रहा। आप देख रहे हैं अमन मेमोरियल एथलेटिक मीट जो है हमने प्लान किया हुआ था, जिसमें जो है 300 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है हमारे पास, ताकि इनके नाम से इनको भी याद किया जाए और इस सोसाइटी को कुछ ऐसा मिल जाए कि जो यूथ एक अच्छे ट्रैक पे आ जाए और ये देश, ये सोसाइटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। आपने कल भी देखा बहुत सारे लोगों ने फेसबुक स्टेटस और रखा हुआ था इनका, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई है, तो इसलिए अभी भी याद किए जा रहे हैं। और इनके इनके नाम से इनके दिवस पे हम ऐसा कुछ करते हैं जिसमें जो रूट लेवल की जो जनरेशन है, जो छोटी जनरेशन है, उसको बेनिफिट पहुंचे। जो हमारा यहाँ पे रहा, हमारे कुछ इस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस हब के बच्चे थे, उन्होंने जो है यहाँ कुछ पैट्रियोटिक्स सिंगिंग रखा और उसके बाद ग्रुप का एक डांस रहा, उसके बाद कुछ देशभक्ति सॉन्ग भी गाए अलग अलग बच्चों ने। जिला रामबन में महकमा आयुष की जानब से एसएसपी रामबन में बीमारी से मजाफत बढ़ाने के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टिंग कैंप का इनाकाद किया गया। डॉक्टर संजय चड्डा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिस आयुष रामबन और नोडल ऑफिस आयुष बूस्टिंग डॉक्टर मसूद अजरगर ने कैंप की सदारत की। तो पेश है रामबन से हरदेव मनास की ये रिपोर्ट। फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग, सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, कि टू कीप अ हेल्दी पर्सन हेल्दी। जैसे इस वक्त हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करना, कोविड-19 में अगर आप देखेंगे जितने भी बाहर के देश हैं वो बहुत ही जूझ रहे हैं समस्याओं में। डिमांड ऑफ आयुष सिस्टम हैज़ बीन इंक्रीज इन द वेस्टर्न कंट्रीज। आज देखिए, आज बहुत सारे लोग हैं जूझ रहे हैं परेशानियों में, स्ट्रेस में हैं। आयुर्वेद हैज़ वन मोर कंपोनेंट विच हैज़ बीन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये च्यवनप्राश है, ये मेनली रेस्पिरेटरी डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और पुलिस कर्मियों, उनके लिए टाइम निकाला और उन्होंने ये अपनी जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो लेकर आए हैं, ताकि आप सब जो रोज़मर्रा की काम में स्ट्रेस फील करते हैं उसमें आपका इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम होगा। आप जिला किश्तवाड़ में 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग की सदारत की। इजलास के दौरान इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन IPPI प्रोग्राम के हवाले से तैयारी के इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया।
जिला रामबन के जून बानियान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजीम रहनुमा और साबका जनरल सेक्रेटरी शेख नजीर अहमद को खारज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जिला रामबन सजाद शाहीन और दीगर मकामी कायादीन ने शिरकत की। तो पेश है बानियाल से मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर लीडर और साबका जनरल सेक्रेटरी मरहूम जनाब शेख नज़ीर साहब एडवोकेट का आज उनकी सातवीं बरसी के मौके पे आज हमने यहाँ बानिहाल में एक मुख्तसर सा एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इसकी सदारत की और हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हमारे पार्टी के जो प्रोमिनेंट हमारे पार्टी फंक्शनरीज थे उन्होंने उस पर शमूलियत की। इस फंक्शन में जनाब शेख नज़ीर साहब की कायदाना सलाहियतों को उनको उन पर रोशनी डाली गई और उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर के आवाम के तई जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको याद किया गया। और इसी फंक्शन में एक खसूसी दुआया मजलिस का भी इनेकाद हुआ, जिसमें उनके एहसाल सवाब के लिए खसूसी दुआ की गई। और इसमें हम बड़े मशहूर हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपना कीमती वक्त निकाल के आज यहाँ बानिहाल में आने की जहमत की और हमारे इस आज के इस फंक्शन की रौनक बढ़ाई। अब इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए चनाब टीवी के साथ। नमस्कार।